हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने छत्तीसगढ़ रोजगार पंजीयन में रजिस्ट्रेशन करते समय अपनी किसी भी डिटेल को गलत फिल कर दिया है और अब आप अपने फॉर्म में करेक्शन करके रीअप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है। आज की वीडियो में दोस्तों हम यही बताने वाले हैं कि किस प्रकार आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। साथ ही हम ये बताएंगे कि अगर आपको रिन्यूअल कराना है अपना रजिस्ट्रेशन तो इसके लिए क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारे प्रोसेस को समझते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको erozgar.cg.gov.in की इस वेबसाइट पर आ जाना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर होम रोजगार का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर एक नया पोर्टल जो है ओपन हो जाएगा जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको राइट साइड के कॉर्नर में जॉब सीकर लॉगिन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जिस मोबाइल नंबर को दिया था उसे यहाँ फिल करके, पासवर्ड फिल करके, कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा। और अगर आपको अपना पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी सारी डिटेल को फिल करके लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन के बटन पर क्लिक करते ही दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी और नेक्स्ट रिन्यूअल डेट आपको शो करेगा और अपने फॉर्म को रीएडिट करने के लिए दोस्तों आपको पंजीयन सुधारे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही दोस्तों आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप अपने फॉर्म में किसी भी प्रकार का करेक्शन करना चाहते हैं उसे करके फॉर्म में नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर सुरक्षित करे का एक बटन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही दोस्तों आपका फॉर्म जो है वो अपडेट हो जाएगा, जिसे आप इस सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करते ही दोस्तों आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप ओपन हो जाएगी जिसे आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। और अगर आप अपना पासवर्ड बदलना चाहते हैं तो इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके आप अपना नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों लास्ट ऑप्शन के बारे में, तो ये फीडबैक का ऑप्शन है। आपका एक्सपीरियंस इस वेबसाइट पर कैसा रहा है आप उसका फीडबैक इसे दे सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि आपको अपने फॉर्म में करेक्शन करने का केवल एक ही मौका दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दोबारा करेक्शन करना चाहेंगे तो इस प्रकार का एक एरर मैसेज आपको शो होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं रिन्यूअल प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों जब हम पहली बार रोजगार पंजीयन में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमें अपनी डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी वहां पर ले जाकर के वेरीफाई कराना होता है। उसके बाद ही हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है और हमारी रजिस्ट्रेशन आईडी एक्टिव होती है। पर रिन्यूअल के केस में दोस्तों ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें सीधा अपने रजिस्ट्रेशन स्लिप को लेकर के अपने रोजगार कार्यालय जाना होता है और कार्यालय द्वारा ही रिन्यूअल का प्रोसेस किया जाता है। कुल मिला के दोस्तों आपको रिन्यूअल के लिए रोजगार कार्यालय ही जाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर कोई रिन्यूअल का नया ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए।